ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति का मौका मिलना चाहिए, बस फिर क्या है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लोग जुट जाते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति करने में। ऐसे लोगों को जिस प्रकार पंजाब पुलिस के जवान सबक सिखा रहे हैं, इसी प्रकार की पहल मध्य प्रदेश पुलिस को भी करनी चाहिए। जरूरी है कि ऐसी कार्यवाही हर उस दुकानदार के खिलाफ होनी चाहिए जो जमाखोरी और ऊंचे दामों पर बिक्री कर मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी हमारी इस खबर से सहमत हैं तो कमेंट्स के जरिए आप हमें अपने व्यूज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर न्यूज के आखिर में दिया गया है, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर लिख दे, आपने लिए इसके ऊपर लिख, कितना बोला, कितने बोला, कितने बोला, चालीस रुपए पाइया दस रहे थे, सिटो सर इन दे 100 रुपए किलो, साढ़े झूठ बोलता है, हैं तो लोग मरने लगे हुए, तुम लोग पैसे लगे हुए कमाने, देखो पाइया बोल रहे हैं 40 रुपए पाइया, वो देखो दस रहे हैं, पड़ेगा भी एक भाई, कैसे मतलब ले रहे तुम्हें, लोग मरने लगे हुए, तुम लोग पैसे लगे हुए कमाने, 100 रुपए किलो दे रहे हैं मटर, 100 रुपए किलो, कहाँ है मटर वाला, वो सामने वो है ना, 100 रुपए किलो, ठीक है, 100 रुपए क्या, ये 100 रुपए का है ना, किलो 100 रुपए है, अभी इसको 70 रुपए किलो, 70 रुपए बेचेगा, हाँ केला कैसे दे रहे भाई, और केला कैसे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जिंदा रहोगे तो दोबारा पहले तुमने पहले 40 50 ना, कोई खाद करके किलो 40 रुपए किलो, अगर जिंदा रहेगा ना, अगर जिंदा रहेगा तभी कमाएगा सारे, जब मुर्दों को खाएगा अब केले बाद में, मारे सुखा खड़ी है, अरे क्या रेट है, क्या रेट है, कितना बोला, 140 बोला तुमने अभी, पहले 140 बोला, क्या लूट मची है, मुर्दा लोगों को जब मर जाएंगे, फिर खाई उसको 40 रुपए, 100 रुपए से 100 से ऊपर नहीं बेचना, केला कैसे दे रहे, केला हाँ ठीक है 50 बिक रहे, नहीं 50 ही देना, ये वीडियो अपलोड पा दी, कर दे छोड़ दे, बहुत लंबी होगी। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।